गाइस कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक ठाक हैं और ठीक ठाक रहना भी जरूरी है। जनाब आप देख रहे हैं यस टीवी और मैं हूँ आपकी दोस्त रंजीत कौर, जो एक बार फिर से ढेर सारी गॉसिप्स के साथ हाजिर हो चुकी है यस टीवी के प्रोग्राम बॉलीवुड गॉसिप्स में। जी हाँ दोस्तों, ऐसी गॉसिप्स जिसमें बातें चलती है बॉलीवुड के सितारों से जुड़ी हुई। तो चलिए इस गॉसिप्स के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और आज की सबसे बेस्ट वाली खबर आप सबको बता देते हैं। जनाब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र को कौन नहीं जानता? वाओ जी, ये तो एक वैसे जमाने के कपल हैं जिनकी आज भी चर्चा काफी ज्यादा की जाती है। जी हाँ, ये है हमारे आइडल कपल। तो इसी के साथ आपको बता देती हूँ कि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को चाहने वाले बहुत ही ज्यादा थे। अब सोच सकते हैं कि एक वो भी टाइम था जहाँ पर हीरोइन के लिए इतने दीवाने होते थे हीरोज। लेकिन एक बात बताऊं, दिल के कनेक्शन उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जिनसे दिल के साथ रिश्ता जुड़ जाता है, और ऐसा ही हेमा मालिनी का रिश्ता जुड़ गया धर्मेंद्र के साथ। जी हाँ, वो अलग बात है कि हेमा मालिनी यानी कि हमारी ड्रीम गर्ल के दीवाने जितेंद्र भी थे। इसी बीच आपको बता देती हूँ कि हेमा मालिनी को पाने के लिए ना धर्मेंद्र जी को काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़े थे। अभी ये तो जनाब कह सकते हैं कि भाई किसी भी लड़की को पाना होगा ना तो आपको ढेर पापड़ बेलने ही पड़ेंगे। तो चलिए ये तो जोक सा पार्ट था, अभी के लिए बात कर लेते हैं एक और बॉलीवुड गॉसिप की। जी हाँ, अजय देवगन और काजोल जो कि एक और हमारे आइडल कपल हैं, लेकिन इसके बीच में आपको बता देती हूँ कि काजोल की सासू माँ और अजय देव की मामा का था बर्थडे 19 फरवरी को, और 19 फरवरी को उनके बर्थडे पर काजोल ने एक बहुत ही सोनी सी फोटो अपलोड की थी, शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कैप्शन में लिखा था कि 22 साल के सफर में इन्होंने मेरे साथ काफी अच्छी साझेदारी निभाई है और बहुत ही अच्छे साथी के रूप में मेरे साथ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। तो जी, तो हमारी यस टीवी की टीम भी ना आपको ढेर सारी बर्थडे विशेष देती है। इसी बीच आपको बता देती हूँ, तो इसी बीच काजोल ने उनको ढेर सारी विशेष दी और साथ ही साथ कहा कि आप हमेशा खुश रहो। जी जनाब, जैसे ही इनकी पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई, इसी बीच बॉलीवुड के काफी ऐसे सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने उनकी मामा को ढेर सारी बर्थडे विशेष की, जिनमें सोहाली खान ने भी उनको बर्थडे विशेष दी और साथ ही साथ लिखा हैप्पी बर्थडे आंटी। और ऐसे ही सेलिब्रेशन बनने ना बहुत जरूरी है। अभी जरूरी ये भी है कि आपको अगली भी बॉलीवुड की गॉसिप्स आपके साथ शेयर की जाए। तो जी, अब बात कर लेते हैं हमारी बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड कह सकते हैं सनी लियोनी। जी हाँ, नाम सुनते ही ना आप सभी की ना आंखें बड़ी बड़ी होगी होगी। जनाब जब मैं भी इनकी पोस्ट जब पढ़ रही थी ना, तो मुझे भी ना बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगी कि अब जो सनी लियोनी है जो कि बॉलीवुड की काफी फिल्मों में आ चुकी हैं, अब आने वाली हैं एक और मूवी में। जी हाँ, इन दिनों वो केरल में जाके अपनी शूटिंग कर रही है आने वाली मूवी की। लेकिन मूवी के पीछे सस्पेंस क्या है वो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन आपको बता देती हूँ कि सनी लियोनी जो है ना वो इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, और इसी दौरान उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी वही फोटो शेयर जो कि केरल में उन्होंने शूट के दौरान क्लिक करवाई थी। तो जनाब आप भी इस फोटो को देखिए और बताइए कि कितनी सोहनी लग रही है सनी लियोनी। जी हाँ, आपको बता देती हूँ वैसे ना जब भी सनी लियोनी अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है ना, तो ढेरों ऐसे फैंस हैं जो साथ के साथ ही उनको लाइक लाइक यानी कि लाइक करते जाते हैं। तो जनाब वैसे तो काफी अच्छी हैं सनी लियोनी और उनके किरदार को भी काफी अच्छा माना जाता है। अभी के लिए बॉलीवुड की जितने भी खबरें थी ना आपके साथ मैंने शेयर कर ली हैं। अगर आप भी बॉलीवुड से जुड़ी हुई कोई जानकारी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो क्या करना है जनाब, आपने भी हमारे कमेंट्स में जाकर अपने कमेंट्स के साथ हमें अपने मैसेजेस को मेंशन करना है। लेकिन हमारी ड्यूटी है कि आपकी सारी बातों को, आपके सारे मैसेजेस को इस प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आपसे इजाजत ले लेते हैं, लेकिन फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ जिसमें ढेर सारी गॉसिप्स होंगी आपकी और हमारी भी, और साथ ही साथ बॉलीवुड के सितारों की भी। देखते रहिए यस टीवी। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।